लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी तन्हाई वापस अपने घर लौट लो समर। कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। अरे निखिल, तुम अकेले आए हो? मैं अकेला ही ठीक हूं। निखिल, हाय मॉम। मॉम अंदर आ जाओ। लेकिन निखिल, तुमने तो कहा था कि वो भी तुम्हारे साथ आ रही है। गेम ओवर मॉम, भूल जाओ सर। लेकिन तुमने तो कहा था कि मॉम प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। ओके ओके, कोई सवाल नहीं पूछूंगी, बस एक बात बोलूं मॉम। क्या? काश दुनिया की हर लड़की आप जैसी समझदार होती। इट्स गुड टू बी बैक होम। मैं सामान रख रहा था। तुमसे बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकता। After all, पहला प्यार ही तो प्यार होता है। बहुत शोर हो रहा है ना। वैसे मैंने अपनी जिंदगी काफी जोर शोर से बिताई। फ्लैशबैक टू सेंटर फॉरवर्ड। इधर 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 इधर। गो 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 गो। ये क्या सर, आप अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं? अरे तो क्या हुआ भाई, जब तक दुश्मन ताकत पर ना हो तो जंग में मजा नहीं है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ इस बार छोटे मोटे पड़ोसियों को छोड़कर
अमेरिका पे हमला बोल दे। क्या कहते हो? बेहतर है सर। वो That's a foul, यार। Come on, Nikhil, come on! Come on, come on, come on! This is our chance. Don't miss it. क्या देख रहे हो शमशेर भाई? अपना होने वाला जवाई है। बेहतर है सर। गोल तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिन मैंने एक नई बात जरूर सीखी कि शोर वाली जगह में भी मोबाइल डिस्टर्ब कर सकता है। अरे आ रहा हूं। हेलो, हाय नेहा, ये हाँ आ रहा हूं। हाँ नहीं 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 ओके ओके नहीं मैं आ रहा हूं, तुम जाना नहीं जाना नहीं। नेहा 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 वो मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया था। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। बाय। ओके ओके हैंग ऑन मेरी बात सुनो। हैव दी स्ट्रॉबेरीज रियली नाइस। मुझे कुछ नहीं खाना, जस्ट गेट लॉस्ट ओके। अरे ऑलरेडी लॉस्ट यार, मैच हार गया, गोली नहीं हुआ। फिर वही क्या? कुछ देर के लिए कांट यू फॉरगेट अबाउट योर स्टूपिड फुटबॉल? कम ऑन नेहा, यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल यार। आई मीन फुटबॉल मेरे लिए सिर्फ एक गेम नहीं है, मेरे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी जब से दादाजी ने कॉलेज बनवाया है, एक ही तो परंपरा है हमारी, फुटबॉल। आज भी हम लोग मैच जीतने वाले थे, लेकिन अगर तुम्हारा फोन नहीं आया। Enough. You know, इस फुटबॉल की वजह से तुम ऐसे हो। यहाँ से नहीं, घुटने से सोचते हो। Now listen. आज तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। मैं या फुटबॉल? Of course, फुटबॉल। Sorry. Come on, Neha, that's a foul. मैं तुम दोनों में से एक को कैसे चुन सकता हूँ? You know, that's not possible. ठीक है, तुम मुझे छोड़ो। वैसे भी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। गुड बाय। Actually, that's a good idea. वैसे तुम्हें तैयार होने में 4 घंटे तो लगते ही हैं। College ball 8 बजे, मैं तुम्हें 7:30 बजे पिकअप करने आऊँगा। All right, bye. I hate your college ball. I hate your football. I hate. अजीब लड़की, एक बार चिल्लाना शुरू करती है तो रेफरी की सीटी की तरह रुकती नहीं। पग लेकिन क्यूट पग। निखिल, इतना हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा का फोन है, वो कह रही है उसे कॉलेज बॉल में नहीं आना। लो बात करो। अच्छा, फिर तो रितु मितु नीतू की निकल पड़ी। क्यों माँ? रितु मितु नीतू, क्या समझता है अपने आप को? लेडी किलर, आई टेल यू डैड, आई विल किल हिम। अरे बेटा, अगर तुम्हें वहाँ नहीं जाना तो मत जाओ। यू गो एंड चेंज। हम दोनों बाप बेटी घर पे बैठकर गन्स ऑफ नेवरोन देखते हैं। बड़ी क्लासिक फिल्म है। तोप है तोप, तोप। I'm telling you, mom, अगर उसे तोप बनाकर बॉर्डर पे खड़ा कर दे ना, तो दुश्मन अपने आप हथियार फेंक देंगे। गेम ओवर, टोटल सरेंडर। सरेंडर भी करके देखो बेटा, कभी-कभी पीछे हटना एक स्टेप फॉरवर्ड होता है। प्लीज डैड, खुद दुनिया का सबसे बड़ा जिद्दी है वो, और मुझे जिद्दी कहता है। पहले पहले सारी लड़कियां जिद्दी होती है, लेकिन शादी के बाद वो और जिद्दी हो जाती है ना। शादी और निखिल से इम्पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, वो जरूर ठीक हो जाएगी। शी लव्स यू बेटा। You know, mom, इस वक्त मुझे आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर क्या फील हो रहा है? क्या? कि अभी आप मुझसे कहेंगी,
निखिल बेटा, मेरे लिए नेहा जैसी चांद सी बहू ले आओ। हाँ, अगर मैं चांद पे होती और निखिल वहाँ पे आखिरी लड़का होता तब भी मैं उसके साथ शादी नहीं करती। प्रॉमिस? हाँ? फिर तो रीतु मीतु नीतु की निकल पड़ी। यू ये दिल दर्दे जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां। ये दिल गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है जान जा। दर्दे जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां। ये दिल समरपुर।
ठीक है तो मैं अंदर जाती हूँ, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? नो नो ओके नेहा, ओके ओके ओके, सॉरी 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 यार, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जल्दी पूछो इससे पहले कि मैं बर्फ बन जाऊं। Do you love me? कब तक चाहिए जवाब? अभी? देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आखिर मैंने तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज खाई हैं। What's wrong with you, निखिल? जो बात समरपुर का स्ट्रॉबेरी वाला जानता है वो तुम नहीं जानते क्या? जानता हूँ, लेकिन सिर्फ एक लास्ट टाइम कंफर्म करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम? कल तुम्हें फांसी लग रही है क्या? कल नहीं, लेकिन एक बार तुमसे शादी कर लूंगा तो जरूर लग जाएगी। शादी? खैर रियल नेक्स्ट, सोचो तुम्हारा फुटबॉल, कॉलेज की जिम्मेदारियां, बीवी के लिए क्या टाइम होगा तुम्हारे पास? मैंने सब सोच लिया। कॉलेज मैनेजमेंट 4 घंटे, फुटबॉल 2 घंटे, बाकी बचे 18 घंटे वो सब तुम्हारे। जोक सपाट नेहा, कहो ना शादी करोगी मुझसे? ओके, पर एक कंडीशन पर। एनीथिंग, एनीथिंग यू से। शादी के बाद हम समरपुर में नहीं रहेंगे। You're joking, right? नेहा तुम समरपुर को छोड़ना चाहती हो? तुम जानती हो मैं समरपुर को नहीं छोड़ सकता, आई मीन ये मेरे दादाजी का कॉलेज है, मुझे तो संभालना है इसको, और वैसे भी ये वादियां, ये मौसम, नेहा दिस इज समरपुर, और हमारा सनसेट पॉइंट जहां पर कभी कभी 7 रेनबोज दिखते हैं, तुम ये सब छोड़ना चाहती हो? जिंदगी सिर्फ रेनबो के 7 रंग नहीं निखिल, उसमें हजारों रंग होते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है निखिल, और मैं उसका हर रंग देखना चाहती हूँ। लेकिन नेहा, मॉम यहाँ रहती हैं, तुम्हारे डैड यहाँ रहते हैं, आई मीन दिस इज समरपुर, इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? बस निखिल, फ्रेंकली आई हैव हैड इनफ ऑफ समरपुर, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। नेहा, नेहा, मेरी बात। What's up, डाकू अंकल? क्या बेटा तुम मुझे हमेशा डाकू अंकल बुलाते रहते हो? Well, it's quite simple actually, राम को रामू, राज को राजू, तो डाकिएगा डाकू। बदमाश कहीं का। किसकी चिट्ठी है? नेहा की। अरे तो घर की बात है, लाइए मैं दे देता हूँ। बाय डाकू अंकल। आशिकी आदमी को डाकिया भी बना देती है। बिना पूछे कभी किसी की चिट्ठी पढ़ोगे? बोलो पढ़ोगे? How dare you? तुमने मेरा लेटर पढ़ा कैसे? और अगर मैं ये लेटर नहीं पढ़ता तो मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता कैसे चलता? क्या बुराई है एयर होस्टेस बनने में? बुराई एयर होस्टेस बनने में नहीं है, ये बात मुझसे छुपाने में है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज या शॉक? नया हमारी शादी की बात चल रही है। समझने की कोशिश करो, इस 4 इंच के समरपुर में मेरा दम घुटता है, मैं आजाद होना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, like a free bird. और मेरा क्या होगा? Obviously, तुम भी मेरे साथ चलो। क्या बनके? Excess baggage. I mean, नेहा तुम जानती हो मैं किसी भी हाल में समरपुर को नहीं छोड़ सकता। It's just... Come on, Nikhil. वो देखो निखिल, उन्हें तो हम चीटी जैसे लग रहे होंगे। मुझे तो वो प्लेन चीटी जैसा लग रहा है जिसके पर निकला है। निखिल मैं परसों 4 बजे की ट्रेन से जा रही हूँ, इफ यू रियली लव मी तुम भी साथ चलोगे। एंड इफ यू रियली लव मी तुम यहाँ आओगी, जस्ट यू मी एंड आवर 7 रेनबोज। Well, 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 so you're leaving, eh? I'm gonna miss you. Me too. I'll be all right. तुम्हें लग
लगता है वो आएगा। लगता है तुमसे ज्यादा अच्छी तरह तो मैं उसे जानता हूं। वो समरपुर छोड़कर नहीं जाएगा, यही उसकी दुनिया है बेटा। अच्छा बेटा, look after yourself. I will. I'm gonna miss you. I will, Bye. Dad. I'll miss you too. My fault. मैंने उसकी हर जिद पूरी की। मुझे क्या पता था वो एक दिन हम सबको इस तरह छोड़कर चली जाएगी। मैं भी कैसा पागल था। नेहा के साथ ही 4 साल बिताकर ये सोचने लगा कि मेरे सिवा वो कोई कदम नहीं उठाएगी। I was so wrong. उसने कदम उठाया भी तो कहां, सीधे आसमान पर। जोश में आके वो चली तो गई, लेकिन हो सकता है वो उल्टे पाव लौट आए। नहीं माँ, वो बहुत जिद्दी है, वो वापस नहीं आएगी। तो तुम क्या कम जिद्दी हो, मेरे बेटे हो। मुंबई जाओ और उसे मनाने की आखिरी कोशिश करो, और वो अगर वाकई तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारे साथ जरूर आएगी। कम ऑन, कैन यू डू इट सन।
मुंबई जाओ और अपनी दुल्हन मेरी बहू को लेके आओ। गो। ठीक है मां, अब मैं मुंबई से तुम्हारी बहू को वापस लेकर आऊंगा। ए निखिल, एक काम करना यार, तू मुंबई जा रहे तो मेरे लिए अमिताभ बच्चन के एटलीस्ट ऑटोग्राफ लेना है। यार तुम लोगों को मुंबई सुन के हो क्या जाता है यार, मैं वहां अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जा रहा हूँ, तेरे लिए ऑटोग्राफ लेने नहीं जा रहा हूँ यार। ये ले। ठीक है, अमिताभ बच्चन के बंगले की चाबी। ये मेरे जतिन अंकल के खाली फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। ओके। जतिन अंकल 3 महीने से लंदन में कोरियो की पेंटिंग बनाने में बिजी है। वो लकी चैफ। या सुन, जब तक वो वहाँ नहीं आते तब तक तू वहाँ आयश कर, और जो पैसे बचेंगे उसकी हमें ट्रीट देना। ओके ओके। और ये उनका पता। यार तुम लोग मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो, आई मीन मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ यार। निखिल हाँ, तू मुंबई जा रहा है दोस्त, वो किसी ने सच ही कहा है, मौत और मुंबई से कोई लौट के नहीं आता। Hey guys, मेरा बैग। सब कुछ है, चलो। हाँ, सब है, सब है। ओ बराबर है, अंदर बंदर अंदर। अरे सर, अरे क्या कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या सर? हाँ, आ जाओ। ओ, अरे क्या क्या? देखिए, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे वो क्या रहा है यार? ओ हट परे, अरे कितने, मैं आई एम सॉरी, आई एम ओ आई एम सॉरी, मैं उठ रहा हूं। मैंने क्या? ओ अरे आप देखिए, क्या क्या? एक सेकंड, मैं उठ रहा हूं, आई एम रियली सॉरी अबाउट। ओ ओके ओके ओके, मैं उठ रहा हूं मैडम। एक अरे आओ, गेट मी, क्या हो रहा है? आई कैन नॉट मूव, गेट ऑफ। आई एम गेट, यस या या, अब सॉरी सॉरी, देखिए अब क्या कर रहे हो? सॉरी 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 सॉरी, यू ब्लडी टूरिस्ट आए होगे किसी स्मॉल टाउन या गांव से, है ना? वो भी पहली बार। देखिए आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी गलती नहीं थी, वो पिछले। नहीं नहीं, गलती हम मुंबई वालों की है, घुसने देते किसी भी अंजू पंजू को। आ जाते हो तुम लोग ट्रेन लेकर, कोई जगह बची है यहाँ रहने के लिए? कहाँ रहोगे तुम हमारे सर पर? एक्सक्यूज मी, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप सेकंड क्लास कंपार्टमेंट के थर्ड क्लास पैसेंजर की तरह बात कर रहे हैं, जो हाथ जोड़कर ट्रेन में घुस तो जाते हैं लेकिन अगले स्टेशन पर दूसरों को अंदर आने से रोकने लगते हैं। लुक, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? ये मुंबई है क्या? एक फोन घुमाओगी ना, कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा। अरे यू इडियट। Yes, how can I help you? Hi. जरूर आओगे। ओ थैंक यू निखिल, थैंक यू। कम, लेट्स हैव सम मुंबईया चाय। चलो ना। सो कैसी है तुम्हारी नई दुनिया? सुपर, वंडरफुल, सो एक्साइटिंग। समरपुर की याद नहीं आती? तुम्हारी बहुत याद आती है। थैंक गॉड तुम आ गए। इतने बड़े शहर में अकेले डर नहीं लगता? अकेले? यू मस्ट बी जोकिंग। इस शहर में अकेले होने का टाइम कहाँ है? हाँ, अकेले तो हम पड़ जाते हैं। वो क्या कहती हो तुम हमें? स्मॉल टाउनर्स। नेहा चलो वापस चलते हैं। व्हाट? तुम मुझे वापस ले जाने आए हो? हाँ नेहा, मैं ही नहीं, मॉम, चोपड़ा अंकल सब यही चाहते हैं। बट इट्स टू लेट निखिल, मैं चाहूँ तो भी वापस नहीं जा सकती हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गर्ल्स, 2 मिनट्स टू रीग्रुप। देखो निखिल, मुझे जाना है, ओके? I'll see you later. Bye. एक बार फिर सोच लो नेहा, ये सबकी खुशी का सवाल है। सवाल ही नहीं उठता निखिल, मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। तो ठीक है, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। What? मैंने कहा मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे इसी शहर में रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। Good. हो सकता है कुछ दिन बाद तुम भी ना जाना चाहो। Okay, I really have to go now, huh? I'll see you later. Bye. Hmm.
एक्सक्यूज मी, लिफ्ट प्लीज। लिफ्ट रोको, देखो इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है यार। कम ऑन निक्स, लेट्स गो। हे यू, हैंग ऑन। इसकी तो हे 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 पुलिस स्टेशन, हे लिफ्ट रोक, हे Excuse me. Who do you think you are? पुलिस को बुलाओ क्या? तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? What? I don't follow you. मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ तुमने लिफ्ट क्यों नहीं रोकी? शुद्ध है ये शगुन? आज छोकरो कौन छे? गुंडो छे मामा। मारी पाछड़ अइयां सुधी आवी गयो। मी गुंडो छे? What are you talking about? देखने में तो शरीफ लगता है। मामा प्लीज, आई नो बेटर ओके? ए यू, तुम जाते हो या बुलाओ पुलिस को? शगुन सुनो तो। बुलाओ मैं। ओके, आई एम गोइंग। जोयू कैसे भाग गया? बोलती बंद हो गई उसकी, इडियट। पुलिस को बुलाऊं? मम्मी को बुलाऊं? फोन लगाऊं? यार ये शगुन है तो अपशगुन क्या होगा? माय गॉड। कंटिन्यू। पासी में एक बस्ती है, वहाँ शादी में लाउड स्पीकर्स बजते हैं, वहाँ तुम्हारी जरूरत बहुत पड़ेगी, गॉट इट? थैंक्स, तुम्हारा रेफरेंस दूँ? शट अप, इडियट। गुड नाइट। वैसे लाउड स्पीकर तो खुद है यार। पता नहीं जतिन अंकल को क्या हो गया, ऐसे जंगली आदमी को घर में रखा है कि पूछो मत। बेटा अगर वो जंगली होता तो झट से तुम्हारी बात नहीं मानता और म्यूजिक नहीं बंद करता। नहीं नहीं चलने दो, मैं तो सिर्फ इतना पूछने आई हूँ, इतने पुराने गाने तुम्हें मिले कहाँ से? एक्चुअली आंटी ये मेरे डैड का कलेक्शन है, बैठिए ना आंटी। नो नो इट्स ओके, वैसे आजकल ऐसे गाने सुनने को कहाँ मिलते हैं, मिलते भी है तो किस लिबास में, सो सैड ना? जी बिल्कुल, वैसे अगर हमारी दादी अचानक जींस पहनकर घूमने लगे तो अजीब लगेगा नहीं? जींस? वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं आंटी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसे आजकल शोर समझने लगे। वो शगुन को जरा गुस्सा जल्दी आ जाता है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, सॉरी। मैं तुम्हारा कलेक्शन देख सकती हूं? या प्लीज प्लीज। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां। क्या बकवास कर रही हो तुम? चार हफ्ते लगते हैं गाना ढूंढने को, गाना ही तो ढूंढना है, कोई ईमानदार नेता ढूंढने को तो नहीं कहा? सर वो गाना तो केएल सहगल के किसी भी एल्बम में नहीं है, दरअसल वो इम्पॉसिबल, मैंने खुद सुना है,
कुंदन को गाते हुए। दिल जलता है तो जलने दे। अगर दो दिन के अंदर तुमने वो गाना ढूंढ के नहीं दिया तो दूसरी नौकरी देख लो। सर प्लीज। व्हाट डू यू थिंक? इस प्लैनेट टाइम का मालिक मेरा दोस्त है, समझी? जब भी लंदन से आता है मेरे साथ बैठ के बियर पीता है। सर आपकी वजह से मुझे केएल सहगल के सारे गाने सुनने पड़े, मगर वो गाना, मगर मुझे उस गाने के अलावा और कुछ नहीं सुनना। दैट्स ऑल। दूसरी नौकरी देख लो तुम। बात करते हैं। देखना तो आपको चाहिए था सर, ये एल्बम दूसरे सिंगर का, ये देखिए। दिल जलता है सहगल साहब ने नहीं, मुकेश साहब ने गाया था। फिल्म पहली नजर, म्यूजिक डायरेक्टर अनिल बिस्वास। नॉनसेंस। मेरा विश्वास कीजिए सर, देखिए ना। लेकिन मैंने तो खुद सहगल साहब को सुना गाते हुए। हैं? कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तुमने मेरा काम कर दिया और तुम्हारा भी, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाती और वो मैनेजर रहमान की भी। लेकिन है कहाँ वो आशिक हमारा? बीवी का बच्चा। कह देना उससे कि हम आए थे अंगल साहब। गया क्या बुढ़ा पाइप से लटकते हुए? Hey, I'm Sara. Hi. Thanks so much. आपने मेरी नौकरी बचा ली। Oh no, please don't mention it. It's all right. Oh, nice to meet you. Yeah. Thanks. Thank you, dost. I am Rahman. AR Rahman. The AR Rahman. क्यों? इतने बड़े इंडिया में कोई दूसरा AR Rahman नहीं हो सकता? Yeah. वो म्यूजिक बनाकर बेचता है, मैं म्यूजिक बेचकर बनाता हूँ। पुलिस से भागकर आयो? फिर पुलिस? मेरी शक्ल पर लिखा है कि मैं पुलिस स्टेशन से भाग रहा हूँ। अरे यार, तुम स्टोर के अंदर कम स्टोर के बाहर ज़्यादा देख रहे हो। जाने दीजिए, मैं ये सीरीज खरीदना चाहता हूँ। 10,000 रुपये? ये 10,000 रुपये की सीरीज है। 10,000 रुपये मैं तुम्हें दूंगा। आप मुझे 10,000 रुपये क्यों देंगे? अरे यार, तुम म्यूजिक का इंसाइक्लोपीडिया हो। तुम्हें काउंटर के इस तरफ नहीं, काउंटर के उस तरफ होना चाहिए था। नौकरी करोगे? नौकरी नहीं, थैंक्स। अरे क्यों? इंडिया का नंबर वन म्यूजिक स्टोर है, प्लैनेट एम। या, दैट्स ग्रेट। अरे फिर बात, तुम इधर आओ यार, इधर आओ दोस्त। देखो, वैसे तो यहाँ नौजवानों की भीड़ लगी रहती है, मगर तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का अगर इधर काम करेगा तो खूबसूरत लड़कियां और भी आएंगी। मेरी सेटिंग यार, समझा करो। थैंक्स, बट मुझे नौकरी नहीं करनी। क्यों? काम पसंद नहीं है, दाम पसंद नहीं है, जगह पसंद नहीं है? क्यों? नहीं, जगह तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर नौकरी पक्की? पक्की। डन। विमान में इमरजेंसी के चार द्वार होते हैं। आगे दो द्वार, पीछे दो द्वार, चारों ना खुले तो हरी द्वार। हाय। हाय। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? समरपुर के बारे में। अब ये मेरे पास टिकट्स हैं, आज शाम 6 बजे की ट्रेन। निखिल, समरपुर जैसी जगह में सिर्फ स्ट्रॉबेरी जिंदा रह सकती हैं, इंसान नहीं। लेकिन यहाँ मैंने, निखिल प्लीज, हमें एक दूसरे के प्यार और साथ से मतलब है, तो फिर हम समरपुर में रहे या कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? लुक निखिल, मेरा फैसला फाइनल है। मैं जानता हूँ तुम्हारा फैसला जरूर बदलेगा नेहा, क्योंकि कोई भी फैसला फाइनल नहीं होता। तो क्या सुलझन को सुलझाने के लिए किसी कोर्ट में जाएं? उतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने एक म्यूजिक स्टोर है, प्लैनेट एम, वहाँ मुझे नौकरी मिल गई। जब भी समरपुर की याद आए, आई एम जस्ट अक्रॉस द रोड। निखिल, अभी बुलाती हूँ। सेक्रेटरी को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, फोन घुमाओ, मम्मी को बुलाओ, डैडी को बुलाओ, बेबी 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 बेबी। जस्ट स्टॉप इट, ओके? मेरे डैड के लगता है कुछ गलत बोल दिया यार, माफी मांगो। ओह सॉरी। एक रिसर्च के अनुसार हिंदुस्तान में करोड़ों लोग रात को भूखे पेट सोते हैं, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। इसी सिलसिले में है, लगता है मुझे भी बिस्किट से काम चलाना पड़ेगा। कुछ खाना तो बनाना आता नहीं। ओह मॉम,
आई मिस योर खिचड़ी। अरे खिचड़ी बनाना क्या मुश्किल है, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। थैंक्स आंटी। किचन में आ जाओ बेटा। पिलाओ पिलाओ माँ, सांप को और दूध पिलाओ। देखो कर पकड़ो, ये डाला चावल, ओके, ये डाली दाल, ओके, अब इसमें पानी डालो। और फिर क्या करूं? फिर मेरे सर पे रखो इडियट। फिर तो कुकर फट जाएगा नहीं आंटी। चल बदमाश। बैक जोक। खिचड़ी। मैं भी आऊं क्या पकाने? मैं अकेले ही खाऊंगा। शगुन, निखिल केटलू फाइन छोकरू छे, देखो ना कैसे घर बैठे बैठे खिचड़ी खा रहा है। कड़का होगा मम्मा। मैं तो उसे खाने पर रोकने वाली थी, और तुम भी ना उसे। मम्मा पे कैंटीन क्यों नहीं शुरू करती, बिल्डिंग के वॉचमैन बेचारे भी खा लिया करेंगे। शगुन तारे प्रॉब्लम सोचे हाँ, जब भी उसका नाम लेती हो तुम गर्म हो जाती हो। पता नहीं मम्मा, जब भी उसकी सूरत देखती हूँ मेरा दिमाग धम से उठ जाता। ये तो कुकर सच में फट गया यार, कहीं मेरी काली जबान तो नहीं है? Not bad, Nix. अगली बार उसकी माँ को कहना कि प्रेशर कुकर के साथ में एक हेलमेट भी दे। सॉरी सॉरी। इसको क्या हो गया? आज इसका बर्थडे है और इसको किसी ने विश नहीं किया है। अरे तो इसको विश करते हैं भाई। अभी नहीं, अभी नहीं, शाम को। ओके। उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। आहा। उसकी एक कजिन है नम्रता, अनमैरिड। सेटिंग राइट। उसको सबको इनवाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पार्टी को तुझे जमाना है। Excuse me, sorry. ये कहाँ ले आए हो मुझे? शायद किसी का बर्थडे है। बर्थडे? हाँ। Yo, happy birthday, Sarah. You remember? We remember. We. ये मेरी खूबी नहीं, ये मेरी कमजोरी है। खूबसूरत लड़की का बर्थडे तो मैं भूलता ही नहीं हूँ। Happy birthday. Cheers. And cheers. मैं नहीं पीता रहमान। Oh, come on, ये शैंपेन है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि शैंपू है? Come on, निखिल। मैं शराब नहीं। शैंपेन को शराब कहकर शैंपेन की इंसल्ट मत करो। Come on, बर्थडे गर्ल का दिल मत तोड़ो। And now from the birthday girl. Come on, निखिल, come on. Very good. And now from A.R. रहमान। अरे रितु भी तो नहीं, तू मैं आता हूँ। I'll get him. Yeah. Hi. Hi. क्या रहमान भाई? Hello, gorgeous. Happy birthday, darling. निखिल।
यक बायक जब मिली नजर हो जुड़ा जाने किधर हो जुड़ा को यहां क्यों उतरना है? ओके गुड नाइट रमाल भाई गुड नाइट गुड नाइट थैंक्स फॉर द शर्ट ओ मखना वे वू निखिल। हाय नेहा। नेहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या करूं? निखिल, प्लीज। It's 2 o'clock in the morning, निखिल। मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ, but look, निखिल, please, try to control yourself. Exactly. You know, नेहा, life में control होना बहुत जरूरी है। You must control yourself. कोई तो नहीं है मेरे पास नेहा कंट्रोल न खुद पर न तुम पर न इस दिल पर नेहा I'm really missing you, नेहा चलो 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 सरपुर वापस चलते हैं मॉम के पास तुम्हारे डैड के पास लेट्स गो बैक मैं ऐसा करता हूँ मैं अभी तुम्हें पिकअप करने आता हूँ I'll be right there निखिल you're drunk I'm not drunk. Champagne को शराब बोलकर उसकी इंसल्ट मत करो। निखिल, कल मेरे लिए बहुत खास दिन है। मैं अपनी पहली फ्लाइट पर जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठना है and I need to feel good and look good. तुम कल जा रही हो? निखिल, if you really love me, अगर तुम चाहते हो कि कल मैं तुम्हें अपनी आँखों में लेकर उड़ूँ, तो दोबारा फोन मत करना। निखिल, if you really love me, अगर तुम चाहते हो कि कल मैं तुम्हें अपनी आंखों में लेकर उड़ूं, तो दोबारा फोन मत करना। ये गुजरात की स्पेशल डिश है, उंधियों।
अच्छा लगे तो और मंगवा लेना कविता आंटी। So sweet of you, आंटी। अपने बदल गए तो क्या हुआ, कुछ पराए तो अपने बन गए। थैंक यू आंटी। वेलकम अबाउट। आज आप लोग रियल एयरक्राफ्ट के अंदर अपना डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। वहाँ पर पैसेंजर्स के साथ हमारे ऑफिसर्स भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड कैच यू लेटर एट द इमिग्रेशन। थैंक यू सर। प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर। क्यों तुम बार बार इस तरह? कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने सोचा अब एक आखिरी बार पूछ लूं, वापस चलोगी मेरे साथ? मेरी दुनिया बहुत बड़ी है निखिल, और तुम उस समरपुर के कुएं के मेन रखो। मेरा रास्ता वहां है, आसमान में। मुझे लगता है जिद को लेकर एवरी नाउ एंड देन तुम्हारा इस तरह मेरे सामने आना, यू नो, इससे अच्छा है कि हम ना मिलें, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम मेरे सपनों को समझ ना लो। और अगर नहीं समझे तो इसे फाइनल गुड बाय समझ लो। नेहा, तो मुझे गुड बाय निखिल। नेहा, पता नहीं गुड बाय को गुड क्यों कहते। ट्रस्ट मी, इट वॉज बैड, रियल बैड। क्या बात है दोस्त, आंखें लाल, चेहरे पे सवाल, लड़खड़ाती चाल। ऐसा हाल तो तब होता है जब बीवी माशूक के साथ पकड़ ले। क्या हुआ निखिल? कुछ नहीं रहमान भाई। देखो दोस्त, कितना भी भाग लो, गम, यादें और कर्जा पीछा नहीं छोड़ते। कर्जा है तो एडवांस ले लो, प्यार है तो एडवाइस ले लो। मैंने कहा ना रहमान भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। निखिल, लगता है इसके दिल को बिन बुलाए रहमान की जरूरत नहीं है। सारा, कम है, कुछ तो हुआ है जी? निखिल को, मुझे लगता है उसको सहारे की जरूरत है। सारा, why don't you be his सहारा? And there goes my सहारा। Yes madam, how can I help you? I'm the manager। मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मत बताओ मैं लगती कौन हूँ तुम्हारी। नहीं है, ऐसी बात नहीं है सारा, वो घर की बहुत याद आ रही है। समरपुर? या होता है। शुरुआत में मुझे भी दिल्ली की मम्मी डैडी की बहुत याद आती थी, मगर धीरे धीरे। हे बाय द वे, ये समरपुर कहाँ है? उत्तरांचल में एक छोटा सा हिल स्टेशन। हिल स्टेशन? यू मीन कोहरे, पहाड़ियाँ एंड ब्यूटीफुल रेनबोज, राइट? तुमने कभी रेनबोज देखे? सिर्फ तस्वीरों में। मुंबई में तो आसमान ठीक से दिखाई नहीं देता, रेनबोज कहाँ से दिखाई देंगे? हमारे समरपुर में अगर मौसम साफ हो तो एक नहीं, सात सात रेनबोज दिखाई देते। सात रेनबोज एक साथ? यू किडिंग? नो, आई एम सीरियस। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। हाउ रोमांटिक। कुछ लोगों को नहीं लगता। ऐसे लोगों पर बहुत तरस आता है मुझे। कॉफी? हाय बेबी। निखिल, हाँ? चलो कहीं और चलते। क्यों, क्या हुआ? यहाँ कॉफी नहीं, चाय मिलती है। हाँ तो चाय पी लेते हैं। नहीं नहीं, कहीं और चलते, कम ऑन। अरे लेकिन सारा, जानती है समरपुर की खास बात क्या है? ऑफ कोर्स, निखिल माथुर का बर्थ प्लेस है।
वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है। What? You mean समरपुर में कायदा कानून नहीं है? जरूरत नहीं पड़ती। Hey dude, ball please. Give us the ball. Hey dude, ball दो ना, ball please. Give us the ball दो ना। मैं आता हूँ। चाहिए yes. Come get it. Please खेलो ना, please खेलो ना, और खेलो ना, please और खेलो ना, please. नहीं यार, पहले से इस फुटबॉल ने बहुत परेशान कर रखा। How dare you follow me? Listen, baby. दूर रहो मुझसे। I said leave listen, me listen alone. Me, दूर दूर रहो। Get out. Come on, baby. Listen to just, me. Just get out. Just get out from here. Listen. सुनो मेरी बात। I said leave me alone. Get out. Just get out. I said stay away. Stay away from me. तुम जानती हो सर? पता नहीं कौन है। तुझे क्या लगा? अकेली? Hey, listen, man. मेरी बात सुनो। What's wrong with you, man? What's wrong with me? बताओ। Nikhil, don't Nikhil. जाने दो, please. जाने दो, don't Nikhil, please. For God's sake, जाने दो। Nikhil, stop it. चलो यहाँ से। And you, stop following me. Follow करता है साले। Nikhil, please. Nikhil, Nikhil, don't. Just let him go. Nikhil, चलो यहाँ से। Nikhil, please, let him go. Not again. देखो तुमसे अच्छा कौन है? मम्मा, it's you. क्यों? क्या हुआ? मैं समझी वो भटकती आत्मा जल्दी आ गया। वो बेचारा आप ही गया तो तुम्हें क्या? मुझे क्या, तुम्ही को तकलीफ होगी। रात के खाने के साथ साथ शाम की चाय भी पिलानी पड़ेगी उस इडियट को। चाय सारा टी। थैंक्स। अरे इतनी अपसेट लगोगी तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। सब तुम्हारा कसूर था। सॉरी, वो लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था इसलिए। God, कसूर का मतलब, जब से तुमने मुझे समरपुर के बारे में बताया है मैं इमेजिन कर करके पागल हो रही हूँ कि इस मौसम में तुम्हारा समरपुर कैसा लगता होगा। ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ पेंटिंग। निखिल, तुम समरपुर नेक्स्ट कब जा रहे हो? कल। व्हाट? हाँ, अभी हाँ, मेरा कोई काम नहीं। यू मीन तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर जा रहे हो? कुछ दिनों के लिए तो आया था। It's time to go back. Hey, दोस्ती नहीं तोड़ोगे ना? सबूत? जो तुम कहो। मैं तुम्हारे साथ समरपुर आ सकती हूँ? तुम समरपुर सारा कहो ना। यस प्लीज, से यस यस यस। आई लव यू निखिल। निखिल, लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी। Conditions apply. अब से 15 दिन बाद वापस आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं मुंबई छोड़कर जा रहा हूँ रहमान भाई। I'm going back to समरपुर। तो वापस क्यों? फ्रेंडशिप के लिए, हमारी दोस्ती के लिए। अरे भाई, अब से 3 हफ्ते बाद हमारे प्लेनेट डैम के 10 साल पूरे हो रहे हैं। उसके सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ी पार्टी है, म्यूजिक, मस्ती, मजा। और उस पार्टी में जान डालना तुम्हारा काम है, सारा के बर्थडे की तरह। वो मेरा नहीं, शैंपेन का नशा था रहमान भाई। हमारी दोस्ती का नशा शैंपेन से बढ़कर है रहमान भाई। आई डोंट नो, यू आर कमिंग बैक। बस आपसे कौन जीत सकता है रहमान भाई? जीते रहो। 15 days, that's it, you are coming back. 15 days, I'm coming back. Where is he? ये रहा। हाय मॉम। मॉम, ये सारा है। हेलो, नमस्ते। मैंने आपको बताया था मेरे साथ प्लैनेट एम में काम करती। वो एक्चुअली मुझे समरपुर देखना था तो साथ चली आई। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल नहीं। I'm sorry, uncle. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन यहाँ। हाँ, I believe you, son. And believe me, नुकसान मेरा है। मेरी जिद्दी बेटी की वजह से तुम अपनी जिंदगी मत रोको। Go on.
ऑल थैंक्स नहीं अंकल ऐसा ओह कम ऑन आई अंडरस्टैंड इट्स परफेक्टली ऑलराइट कम ऑन गो अहेड गुड लक चलता हूं शमशेर यस सर अच्छा भला जवाई हाथ से निकल गया बेहतर है सर उन दिनों में अच्छा खासा टूरिस्ट गाइड बन गया पर कहीं अच्छा भी लग रहा था शायद इसलिए क्योंकि हमारी पसंद एक जैसी थी शायद आज रेनबोज नहीं दिखाई देंगे बादल है ना पता है जिन दिनों बादल नहीं होते ना वो उस पहाड़ी के पीछे से सूरज नजर आता है ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दिया ब्यूटीफुल हाउ क्यूट सॉरी व्हाट कुछ नहीं बड़ी प्यारी लड़की है कल अपने साथ स्कूल ले गई तो बच्चों को कहानियां सुनाने लग गई अच्छा तुम्हारी और उसकी पसंद कितनी मिलती जुलती है ना अजीब बात है मां नेहा हमेशा से यहीं रही लेकिन उसे समरपुर से कभी लगाव नहीं हुआ और सारा को देखो एक हफ्ता हुआ है मुंबई से आए हुए लेकिन सबसे ऐसे घुल मिल गई जैसे हमेशा यहीं रहती हो ये सिर्फ तुम्हारी दोस्त है या मॉम आप फिर शुरू हो गई नाउ डोंट गेट एनी आइडियाज ओके लेट मी हैव माय ब्रेकफास्ट प्लीज ओके तो फिर उससे राखी बनवा ले कम से कम मुझे एक अच्छी बेटी तो मिल जाएगी एक बात तो है या तो ये लड़की बिल्कुल बेवकूफ है या फिर तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है जो तुम्हारे साथ यहाँ तक अकेली चली आई एक्चुअली मॉम आई डोंट नो देन नो नो हां फॉरन मुड़कर मत देखना लेकिन इस वक्त भी वो यहीं देख रही है आदत से मजबूर माँ की बात नहीं सुनी फौरन ऊपर मुड़कर देख लिया और मुझे कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया प्यार में प्यार में
I decided to forget the past. माँ को वो पसंद थी, उसको समरपुर पसंद था. मैंने सोचा बात कर ही डालूं. What? ऐसा कैसे कर सकते हो? Please, please listen to me. Just. सारा? Please मेरी बात तो सुनो. अच्छा, अच्छा मैं आ रही हूँ. मुझे एक दिन की मोहलत दे दो. मैंने कहा ना मैं कल शाम तक पहुँच जाऊँगी. Please. अच्छा, अच्छा, अच्छा मैं आज ही निकलती हूँ. I'm coming. I'm leaving right now. I'm coming. सारा? I'm coming. सब ठीक तो है ना? Any problem? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. It's okay सारा, तुम मुझे बता सकती हो. वो मेरा लैंडलॉर्ड था, घर से सामान बाहर फेंकने की धमकी दे रहा था. 6 महीने से रेंट नहीं दिया ना. I'm sorry निखिल, मुझे अभी निकलना पड़ेगा. इस वक्त कोई ट्रेन है यहाँ से? तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं रहमान भाई से कह देता हूँ, वो पैसे भिजवा देंगे. नहीं निखिल, मैं रहमान सर का और ऐसा नहीं लेना चाहती, मुझे ही जाना पड़ेगा. What time's the train? 2-2.5 घंटे में होगी, मैं भी साथ चलता हूँ. नहीं नहीं निखिल, तुम इतने दिनों बाद घर आए और फिर कुछ दिनों बाद तुम मुंबई आने ही वाले हो रहमान सर के शो के लिए. लेकिन सारा, निखिल प्लीज प्लीज. अच्छा ओके, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो याद रखना I'm always there, okay? और अभी कुछ दिनों में जो मैं मुंबई आ रहा हूँ, रहमान भाई के लिए नहीं, तुम्हारे लिए. I'm so sorry कि मुझे इस तरह जाना पड़ रहा है. It's okay. वहां जाते ही मुझे फोन करना, okay? Don't worry. अरे यार, ये फुटबॉल को बास्केटबॉल बना के क्यों खेल रहे? 2 दिन से ऐसा ही है यार. भगवान करे इसे अपना प्यार मिल जाए ताकि हम कोई मैच तो जीत सके. निखिल, ये नंबर मौजूद नहीं है. द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट. हेलो प्रिंस ऑफ समरपुर, कैसे हैं आप और सारा का क्या हाल है? रहमान भाई, सारा को तो मुंबई गए हुए 2 दिन हो गए. कमाल है जी. और पता नहीं रहमान भाई फोन भी नहीं उठा रही है. अरे ऐसा क्या कर दिया तुमने जो जल्दी वापस आ गई और अब अवॉइड भी कर रही है? मैं क्या करूंगा रहमान भाई, वो तो उसका वो बदतमीज लैंडलॉर्ड उसका सामान बाहर फेंकने की धमकी दे रहा था. मन करता है तू एक खींच के उसको. अरे भाई ऐसा मत करना. क्यों? क्योंकि मैं ही उसका लैंडलॉर्ड हूँ और मैं ऐसी हरकत कभी कर सकता हूँ? सॉरी रहमान भाई, लेकिन फिर सारा ने मुझसे इस तरह झूठ क्यों बोला और मुझे बदनाम क्यों किया? सारा है? है ना, एक हफ्ते से बाहर है. कहाँ गई? No idea यार, किसी जोकर के साथ गई है. Some funny place, Winterpur, Summerpur, something like that only. Thanks. Excuse me. सारा की तो क्या बताऊँ, कौन आया था? वही जोकर. हाँ? एक बार मार खा के समझ में नहीं आया तुझे? हा? निखिल, मुझ पर हाथ उठाने से पहले एक बार सारा से बात कर लो. तो कहानी कौन सुनाने वाला है, तुम या तुम सारा? निखिल, मैंने तुमसे झूठ बोला था. निखिल, ये बंटी है, बंटी के साथ मेरी. निखिल, मैं और ये एंगेज थे. किसी ने इसके कान भर दिए कि मेरी लाइफ में मेरे साथ कोई और भी है, इसलिए मुझसे नाराज होकर तुम्हारे साथ समरपुर चली गई, मुझे जलाने के लिए. जलाने के लिए नहीं बंटी, मैं वो जगह एक्चुअली देखना चाहती थी. इट वॉज ग्रेट निखिल, मैं तो वापस ही नहीं आती. अगर मैंने तुम्हें उस रात फोन करके अपनी जान देने की धमकी ना दी होती तो
और अगर मैं नहीं आती तो? अगर तुम नहीं आती साल, तो तुम्हारी जुदाई में वैसे मर जाऊँ। मंटी स्टॉप, ऐसे मत कर। मन मन की बात कभी मत करना मुझसे। ओके मैम। I'm really sorry. मैं जानती हूँ तुम इस वक्त कैसा फील कर रहे होंगे। I really don't know how to thank you, Nikhil. तुम्हारी वजह से मुझे बंटी वापस मिल गया। तुमसे बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकता। After all, पहला प्यार ही तो प्यार होता है। वो क्या है ना सारा? प्यार कोई रेस नहीं। जिसमें पहला दूसरा तीसरा प्यार सिर्फ प्यार होता है। निखिल, हे डूड, हाउ डू आई लुक? कैसा लग रहा हूं मैं? सॉरी, वो क्या है ना निखिल, तारा इज वेरी पर्टिकुलर। तारा, व्हेन यू सेटिंग? तारा, पर रहमान भाई पिछली बार तो आपने वो, देखो दोस्त, क्या है कि मुझसे किसी लड़की का दुख देखा नहीं जाता। कोई भी लड़की मुझे एक हफ्ते से ज्यादा बर्दाश्त करे, ये कोई अच्छी बात है। इसलिए एक हफ्ते के बाद मैं अपनी जान से कहता हूँ, जाना, अब जाना। Excuse me. Hello. Yeah? मुझे वो ब्रिटनी स्पीयर्स की नई सीडी चाहिए थी। सॉरी, स्टोर बंद हो चुका है। Hey, you're saying no to Britney Spears? नहीं, I'm saying sorry to Britney Spears. कल आना, सीडी के साथ में ब्रिटनी स्पीयर्स का ऑटोग्राफ किया हुआ पोस्टर फ्री दूंगा। टुमारो। ओह मैन, तुझे क्या लगता है, ये कल वापस आएगा? हाँ, क्यों नहीं। नहीं, अभी जाकर किसी दूसरी दुकान से खरीद लेगा। अरे उसे म्यूजिक से मतलब है, दुकान से थोड़े ही। प्यार में भी जो ये फंडा चलाता है ना, खुश रहता है। सारा चली गई, जाने दे, तुझे प्यार चाहिए, कहीं और से आने दे। क्या बात कर रहे हैं मान? अरे 39 सेश कर चुका हूँ, अब दिल का 40वां होने वाला। तारा, ए माय बेबी तारा, योर प्लेस ऑफ माइंड। कमाल है, रहमान भाई के झूठे प्यार को सच्चा प्यार मिल जाता था, और मेरे सच्चे प्यार को। ठीक है, तो आप टिकट ऑफिस में छोड़ दीजिए, मैं स्टेशन जाते हुए कलेक्ट कर लूंगा। आप जा रहे हैं सर? हाँ, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। अरे निखिल। हाय आंटी। वापस आए और बताया तक नहीं। आओ अंदर आओ। नहीं, वो एक्चुअली आंटी, मैं वापस जा रहा हूँ आज शाम 6 बजे की ट्रेन से। फिर से? इस बार हमेशा के लिए जा रहा हूँ आंटी। ये सब क्या है निखिल? बरसों बाद कोई मिला, जिसे मिलकर ऐसा लगा मेरा बेटा मिल गया है। लेकिन तुम्हें उससे क्या? वैसे हम तुम्हें रोक भी तो नहीं सकते। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, ये सीरीज रख लीजिए और सोचिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। How sweet of you. अच्छा आंटी, मैं चलूँ? अरे ऐसे कैसे जाओगे, मैं कॉफी बनाती हूँ, कॉफी पीकर जाना, तब तक शगुन भी आ जाएगी। वो फिर तो मैं चलता हूँ। इसका मतलब तुम शगुन को समझ ही नहीं पाए। जो अंदर से नर्म होते हैं, वो बाहर से सख्त ना हो तो दुनिया उसे कुचल देती है। क्या मतलब आंटी? वो 12 साल की थी, उसके डैडी ने दूसरी शादी कर ली और हमें छोड़कर चले गए। Just stop it, okay? मेरे डैड, तब से वो किसी पर भरोसा नहीं करती, ना ही उसका कोई दोस्त है। मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है उसके अकेलेपन से। आंटी, I'm so sorry, पता नहीं मैं क्या क्या कह गई। नहीं, तुम जाकर बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी और मैक्सिकन टैकोस बनाती हूँ। जी। कल ही सीखा टीवी में देखकर। खाकर बताना कैसा है, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? हाँ, वैसे इंश्योरेंस है मेरे पास। आंटी, हाँ? तब तक मैं अपनी मेल चेक कर सकता हूँ? श्योर, कंप्यूटर शगुन के कमरे में है। ऑलराइट, थैंक यू। नॉट बैड। Next.
निखिल, बिना पूछे कभी किसी की डायरी पढ़ोगे? बोलो, पढ़ोगे? आज मैंने उसे पहली बार देखा। हजारों आदमियों के भीड़ में बिल्कुल अकेला लग रहा था वो, जैसे मैं जिंदगी की सारी खुशियों के बीच एक अकेले दुख की तरह। उसके माथे पर गिरते हुए बाल, कुछ ढूंढती आंखें और बच्चों जैसा भोलापन। उसे देखकर दिल ने कहा, काश वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हो। वो तो सचमुच आ गया और जतन अंकल के घर में ठहरा है। इसका मतलब है कि कभी कभी दिल से निकली बात पूरी भी हो जाती है। ए शगुन, क्या हो रहा है तुम्हें? तूने तो कभी किसी लड़के को ध्यान से देखा तक नहीं, फिर अब क्या हुआ? क्यों हर वक्त इंतजार रहता है उसका? क्यों माँ के नाम से खाना ले जाती है उसके लिए? निखिल, एक बार, बस एक बार इतने पास आ जाओ कि मेरे दिल में झांक कर देख सको। मेरी तन्हाई में कोई आवाज नहीं है निखिल, एक बार मेरा नाम पुकार। सख्त ही सही, पर तुम्हारे लिए मैं टूटकर बिखरने को तैयार हूँ। बस एक बार हाथ बढ़ाओ निखिल, मैं हर बार साथ दूंगी। निखिल चला गया। कहाँ चला गया? मैंने उसे रोका क्यों नहीं? मैं उसके बगैर पागल हो जाऊंगी। क्या वो कभी वापस आएगा? क्या कभी मैं उसके सीने पर सर रख कर कह पाऊंगी? निखिल, अगर नहीं भी कह पाई तो तुम्हारी याद में जिंदगी बिता दूंगी। बिकॉज आई लव यू निखिल। निखिल, आई लव यू। आई लव यू निखिल। क्या हुआ निखिल? ठीक तो हो? निखिल, जरा चेक के बताओ कैसा है। अरे क्या गया हो छोकरो? I'm getting out of here. वीरी स्टेशन जल्दी चलो। जी साहब। एक और? No way. बस कहकर टैक्सी में भाग। मामा हुआ। शुभ बात है मामा। यम्मी, यू आर द बेस्ट मामा इन द होल वर्ल्ड। वैसे मैंने ये निखिल के लिए बनाए थे। ओ, आ गया कड़का? हाँ आया, और चला भी गया। गया? कहाँ? कह रहा था इस बार हमेशा के लिए जा रहा है, 6 बजे की ट्रेन से। बड़ा अजीब लड़का है। 6 बजे? उस दिन मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक और अजीब खेल खेला। मेरी ट्रेन नहीं है, लेकिन शगुन आ गए। क्या हुआ स्मार्टी? सेकंड क्लास के थर्ड क्लास पैसेंजर्स ने अंदर घुसने नहीं दिया क्या? पता नहीं क्यों शगुन, शायद किस्मत मुझे एक और चांस दे रही। फिर से चांस? कैसा चांस? वो छोड़ो, एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे? एक फ्रेंड को छोड़ने आई थी मैं। और वो गया नहीं?
क्या मतलब? एक सेकेंड, ये लो और मुझे मारो। ये सब क्या है? वो मैंने तुम्हारा कंप्यूटर यूज किया था। हाँ, मामा ने बताया तो मैंने उसमें तुमने मेरे बारे में जो कुछ लिखा था वो सब पढ़ लिया। तुमने? What? You're the pits, निखिल। तुमने मेरी पर्सनल डायरी पढ़ी? या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो निखिल? शगुन वो I hate you, Nikhil. You're disgusting, Nikhil. Shagun, how could you do that to me? Just listen. मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो निखिल? क्या इस बार भी मेरे साथ प्यार में धोखा होगा? Let's see next. Maybe third time lucky. इस बार उठने को नहीं कहोगी? मैंने चोरियां तो वैसे बहुत की हैं, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आज तक कभी नहीं मिला। जरा सोचो शगुन, अगर मैं वो सब नहीं पढ़ता और हमेशा के लिए चला जाता तो मुझे हमेशा ये लगता कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। अपने फीलिंग्स को छुपाने के लिए अपने गुस्से को ढाल बनाना जरूरी था निखिल, क्योंकि अगर ये सब सच जानकर तुम मुझे ठुकरा देते तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ पे अपना नाम हमेशा के लिए लिख रहा हूँ। लड़की के हथेली पे नाम ऐसे लिखा जाता है? तो कैसे लिखते हैं? मेहंदी से, यू इडियट। आई लव यू शगुन। प्रॉमिस मी कि ये सब एक सपना नहीं है। प्रॉमिस मी कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। आई प्रॉमिस। चाहे कहाना तुमने चाहे कहाना, मन सुन लिया सनम, तुझको दिल का साथी चुन लिया सनम। कहना सनम, पलकों के साए साए सपने तुम्हारे छाए, कैसे दिल को समझाए, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना सनम। लम्हा लम्हा यार तेरा सपना, आंखों ने तेरा सपना है बुलिया है बुलिया है बुलिया सनम, तुझको दिल का साथी चुन लिया सनम। Thank you.
सांस चल के हर दम बढ़ने लगी है अब तो दीवानगी। निखिल। हाय मॉम। मॉम के बच्चे, जिंदगी में एक नई लड़की के आ गए, तू अपनी माँ को भी भूल गया? कैसी बात कर रही है मॉम, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो नायाब है नायाब। और तुम एक नंबर के नालायक हो, नालायक, समझे? मॉम अगर आपका बेटा इतना ही नालायक होता तो उसे इतनी अच्छी लड़की कभी नहीं मिलती जितनी मिली है। Really? अच्छा, सारा मिली? सारा से बात हुई? तुमने उसकी खबर ली कि नहीं? नहीं, एक्चुअली मॉम वो सारा नहीं, उसका नाम शगुन है। शगुन? हेलो मॉम। शगुन, अब ये शगुन कौन है? ये वही लड़की है मॉम जिसके लिए किस्मत मुझे मुंबई लेकर आई। हाय शगुन, तू क्या बोल रहा है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मॉम, इस बार जो मैं समरपुर आ रहा हूँ तो हमेशा के लिए, और साथ में आपकी होने वाली बहू को भी लेकर आ रहा हूँ। शगुन। बाय मॉम। हे भगवान, मुझे कोई बहू नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा लौटा है। निखिल, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं ब्लू नहीं, आई थिंक तुम्हें रेड ड्रेस पहनना चाहिए। रेड नहीं पहनूंगी तो पुलिस पकड़ लेगी, ब्लू इज बेटर निखिल। या बट रेड इज इट्स ट्रेडिशनल। ब्लू मुझ पर अच्छा लगता है निखिल। आई से रेड, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें पहनना है मुझे? सॉरी रेड मुझे नहीं लेना है, मैं जा रही हूं। अच्छा ओके, हैंग ऑन, लिसन शगुन। ठीक है, पकड़ लो किसी रेड पहनने वाले को, मैं घर जा रही हूं। अरे शगुन मेरी बात तो सुनो। प्लीज निखिल, आई एम आउट ऑफ हियर नाउ। ओह गॉड, वो चली गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना। ना 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 नेक्स्ट। शगुन बेटा दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए निखिल आया है। उसे कहो अगर फायर ब्रिगेड आ जाए तभी मैं बाहर नहीं आने वाली। बाय द वे फायर ब्रिगेड का कलर भी लाल ही होता है। आंटी आप समझाइए ना प्लीज। मैं समझाऊंगी बेटा, तुम जाओ ऊपर, मैं भेजती हूँ उसे। मैं जा रहा हूँ। I'm going. She doesn't even care. I mean, it's amazing. I mean. स्वीट ऑफ मेरे लिए लाल ड्रेस पहन ली। आई थिंक मुझे माफी मांगनी चाहिए। सॉरी 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 नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो? निक्स, आई लव यू निक्स। आई वॉज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने कितनी बड़ी भूल की निखिल, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। आज मैं जान गई हूं कि आसमान में कोई रास्ता नहीं होता। यू वर राइट, उतनी ऊंचाई पर मेरा कोई काम नहीं था। मैं तो गिरते गिरते रह गई, अपनी बेवकूफी में शायद अपनी इज्जत भी खो बैठती। मगर शायद तुम्हारे प्यार ने मुझे बचा लिया। तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो निखिल, यू रियली लव मी।
I know you love me. Neha, you love me, don't you? No. कहो तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो. नहीं नहीं, no. Of course. इसीलिए इतने दिनों तक तुम वापस नहीं गए. Just listen to me. मेरा इंतजार करते रहे. तुम अपना समर पुट छोड़ा, अपना फुटबॉल. मेरी बात तो सुनो. Just for me. Just once. You're amazing, Nikhil. No, I'm not. Nikhil, I love you. No, you don't. I really love you, Nikhil. I really love you. मेरी बात. I missed you. I missed you so much. No. When are we getting married, Nikhil? Tell me, when are we getting married? हम शादी करेंगे. Nikhil, I love you. I love you so much. I missed you, Nix. I really missed you so much, Nikhil. Nikhil, I love you. I love you. Shagun. Nix. Shagun, meri baat suno. Please, just ek second, meri baat. You cheat. You do timing fraud. Shagun, tum sare mal dekh jaise ho. Sare ke sare. Meri baat suno, Shagun. Just hang on. Shagun, kahan ja rahe? Shagun, meri baat ko suno. Ek second, Shagun. Shagun, jo tumne dekha wo sach nahi tha, Shagun. Ye sab mere saath hi kyun hota hai, yaar? Shagun, tum galat samajh rahe ho, Shagun. Nix. All men are pigs. Shagun, एक सेकंड, मेरी किस्मत ही खराब है यार. Shagun, Shagun मेरी बात तो सुनो please. Shagun, एक सेकंड, just listen to me please. मुझे तो नहीं सुनाई, दरवाजा खोलो. Shagun, just please. Don't touch me, Nikhil. शुद्ध है Shagun. Shagun, come on, this is not fair. आंटी मेरी बात नहीं सुन रही है. क्या हुआ? आंटी मेरी बात ही नहीं सुन रही है. आप प्लीज समझाइए ना उसे. लेकिन हुआ क्या? क्या बात है? चलो तोड़ लेते हैं. Shagun, just listen to me. क्या हुआ बेटा, बता तो सही, क्या बात है? मुझे कुछ नहीं कहना है मामा, प्लीज. उसकी बात तो सुन ले. मुझे ना उससे मिलना है ना बात करनी है. Shagun, वो क्या कहना चाहता है पहले उसकी बात सुन ले बेटा. I don't want to see his face again, mama. अच्छा ठीक है, लेकिन रो मत बेटा. ये क्या नेहा, तुम क्या, I mean, what? बाथरूम कहाँ है? वहाँ है. क्यों क्यों? अरे ये सब सामान रखना है, कहाँ है? इस तरफ. नेहा, what's wrong with you? ये अच्छा देखो, अगले महीने मेरी और शगुन की काफी तेज मालूम होती है. जो मैं 4 साल में नहीं कर सकी उसने 4 दिन में कर लिया. नेहा, अगर तुम्हारे पैर जमीन पर रहते तो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता था. मेरी जगह तो अब भी कोई नहीं ले सकता. देखो नेहा, बहुत देर हो चुकी है. दिल कोई किराए का घर नहीं होता निखिल माथुर, कि एक चाहे दूसरा आए. घर तोड़ने के बाद कोई उसमें रह भी तो नहीं सकता ना. ठीक है, तो मैं इसी शहर में रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी. जाऊंगी तो तुम्हें साथ लेकर, बिकॉज आई लव यू निखिल. कम ऑन Shagun, पिक अप द फोन. Shagun, मुझे यहां तक आवाज आ रही है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? Shagun! आंटी, मैं प्लीज इस वक्त उसे ना ही मिलो तो अच्छा है, बहुत गुस्से में है वो. आंटी, लेकिन जब तक मैं उसकी गलतफहमी दूर नहीं करूंगा वो. देखो बेटा, हमारे गुजराती में एक कहावत है, जब नदी में बाढ़ आती है ना तो उसमें तैरना नहीं चाहिए, किनारे पर बैठकर इंतजार करना चाहिए. ये क्या कर रहे हो? किनारे पर बैठकर इंतजार. निखिल, तुम घर जाओ, मैं उससे बात करती हूं. प्रॉमिस आंटी. Shagun, अगर आज के बाद इस घर में उसका नाम भी सुनाई दिया तो तुम मुझे खो दोगे मम्मा. मगर बेटा, एक बार बात करने में क्या हर्ज है? मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मा. सुनना पड़ेगा. कब तक अपने बाप की किए की सजा दूसरों को देती रहोगी? मैं बेवकूफ नहीं हूँ मम्मा. बिजली कभी एक जगह दोबारा नहीं गिरती बेटा. उसे पराया बनाने से पहले आखिरी बार अपना समझ कर उसकी बात तो सुन ले. क्यों मम्मा, क्यों क्यों लिखा मैंने ये सब? क्यों? मेरी खातिर बेटा, एक बार उसकी बात सुन तो ले.
आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी तुझसे। रहमान भाई, रहमान भाई, रहमान भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे कल रात को मेरे साथ क्या हुआ। लावा लावा। मुझे सब मालूम है। आपको कैसे पता? अरे लव एक्सपर्ट कौन है, तू या मैं? पर ऑफ कोर्स तेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तेरे इस दोस्त रहमान को सब मालूम है और मैंने उसे भी समझा दिया। वो यहाँ ही है। अरे जा, दिल खोल कर बातें कर उससे। मैं यहाँ म्यूजिक कॉन्टेस्ट शुरू करवा देता हूँ, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। यूर लाइफ सेवर रहमान भाई, कहाँ है वो? अंदर मेरे कैबिन में। अरे अब जाना इससे यार, रहमान का नाम रोशन कर, अकेला जा और उसे अपनी बाहों में भर के ले। अरे मुझे नहीं उसको। थैंक्स रहमान भाई। एनीथिंग फॉर यू माय फ्रेंड, आई एम टू गुड यार। I'm really very sorry. तुम क्यों sorry बोल रहे हो? निखिल, I'm really sorry निखिल, I'm very sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बंटी, बंटी फरेबी मकार निकला। उसने मुझसे शादी का वादा किया और किसी और के साथ भाग गया। और उसी की वजह से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे प्यार की बेइज्जती की निखिल। I'm sorry. I'm very sorry, Nikhil. Please forgive me. Nikhil, I'm sorry. क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं निखिल, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। हम कल सुबह समरपुर चले जाएंगे, इस धोखेबाज शहर से दूर। देर से सही, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था निखिल। मैंने क्या किया? निखिल, I really love you. अरे तुम निखिल, I love you. अरे just listen to me, I'm saying I can't live without you. निखिल, you're mine. I love you. I love you. निखिल, निखिल चलो समरपुर चल के शादी करते। Let's just get married, निखिल. निखिल, निखिल, let's just run away and get married. I love you. I just love you. निखिल, शकुन सारी दबा, शकुन सारी दबा। और प्लीज मुझे फॉलो मत करना। शगुन, माय यू आर रॉन्ग। बिजली तीसरी बार गिरी है एक ही जगह पर। ग्रेट, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। 24 घंटे में मैंने उसे दूसरी बार खो दिया। I mean, I've done it again. I'm too bloody Nikhil? good. Again? Yeah, again. I mean, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? Huh? What am I? जब मन में आया चले आए, जब मन में आया चले गए. Am I Viri Station? What do I look like? Viri Station? Nikhil, but I really love you. Oh, you really love me. That's so great. मैं तो भूल ही गया था. तुम मुझसे प्यार करती हो. अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, तो जाओ. उसको मेरे लिए वापस लेकर आओ. क्योंकि मेरी खुशी उसी में है. मेरा दिल इतना सख्त नहीं है निखिल कि इतनी जल्दी एक और घाव बर्दाश्त कर सके। I'm sorry निखिल, but I really love you. And I really love her. मुझे तू नजर आए खुबकू, मुझे तू नजर आए जाने कितना तड़पा हूँ मैं।
मुझे तू नजर आए, तेरा चेहरा तेरी चाहत, तेरा चेहरा तेरी चाहत मेरी आरज़ू गुबगू, मुझे तू नजर आए। नजर ओ जाने जा, ओ जाने जा, पल 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 ढूंढे तुझे नजर ओ जाने जा, ओ जाने जा, कैसा ये मोहब्बत का असर ओ जाने जा, ओ जाने जा, कह कशा की तरह आती जाती है तू हर जगह, कशा की तरह आती जाती है तू हर जगह। मेरी जन्नत मेरा जहां, मेरी जन्नत मेरा जहां है बस तू ही तू, गुबगू मुझे तू नजर आए। जाने जा, तुझे क्या कहूं, मेरे ख्वाबों में, मेरी बातों में, मेरी नींदों में, मेरी रातों में, बस तू ही तू, जाने मन मेरी जिंदगी है तू, I really miss you, I need you, you mean everything to me, everything। दिल 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 बनाया क्यों ये दिल, ओ रब्बा रे, ओ रब्बा रे, आए मेरा इश्क चाहती है जान, रूबरू जब भी आए मेरा इश्क चाहती है जान, हाल दिल है कैसा मेरा, हाल दिल है कैसा मेरा, कैसे मैं कहूँ गुबगू मुझे तू नजर आए। अच्छा हुआ तुम आई। देखो शगुन, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। शगुन तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें, प्लीज प्लीज अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो, कम से कम मेरे साथ नहीं। एक्चुअली यू आर अ लिटिल लेट, तुम्हें शायद पता नहीं एक दूसरी वाली भी है, पहले उससे जाकर निपटो, और क्या पता तीसरी चौथी पांचवी भी हो। क्या है ना, निखिल के साथ कुछ कह नहीं सकते, सो गुड लक एंड गुड बाय। दूसरी, तीसरी, तीन तीन, तुम तो मेरे भी बाप निकले, तुमसे तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी गुरु। हमको तो आता है दिल लगाना, बस नहीं आता है दूर भगाना। अरे क्या करें, ये लालची दिल मांगता ही रहता है मोर मोर मोर। आई मीन रहमान भाई, आई कांट बिलीव कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। सब लोग इतने सारे गेम्स क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ, मुझे तो एक ही गेम आता है, फुटबॉल, दैट्स इट। अरे जिंदगी फुटबॉल गेम से कम थोड़ी है, प्रॉब्लम्स को टैकल करो, डर को ब्लॉक करो, गोल को स्कोर करो, दैट्स लाइफ, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम कल की क्रूज पार्टी पर कॉन्सेंट्रेट करो। रहमान भाई, आई मीन प्लीज ट्राई एंड मैनेज विदाउट मी, ऐसी हालत में वहां के मैं क्या करूंगा रहमान। अरे दोस्त, टूटे हुए दिल से जो आवाज निकलती है उसका कोई मुकाबला नहीं, कम ऑन चीयर अप, यू हैव टू जमा द पार्टी। रहमान भाई आई कांट, प्लीज, हो सकता है पार्टी में कोई दूसरी मिल जाए, अगर मिल जाए तो उससे कह देना चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को फोड़ दूंगा, अगर तू हाँ कह दे तो पहले वाली को छोड़ दूंगा। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत बुरा। क्यों भाई,
सुबह से लिफ्ट में ऊपर नीचे हो रहे हो? लिफ्टमैन की नौकरी लेनी है क्या? नहीं वो एक्चुअली अंकल मेरी एक मीटिंग है। अच्छा, कहाँ कहाँ है मीटिंग? यही लिफ्ट में अंकल। मीटिंग लिफ्ट में? मीटिंग लिफ्ट में, अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई एक मिनट, अगर तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए जी तो मुझे भी बता देना, आइंदा मैं भी अपनी मीटिंग लिफ्ट में रखा करूंगा। अंकल कैसी बात कर रहे हैं? सुबह से मैं ही मिला था इसको। एक सेकंड प्लीज मेरी बात सुनो शगुन। शगुन शगुन मेरी बात सुनो, जस्ट लिसन टू मी, एक बार मेरी बात सुनो। अब तुम मेरी बात सुनो निखिल। जब मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया तो मुझे लगा कि दुनिया का हर मर्द झूठा मकार और धोखेबाज होता है, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे लगा नहीं मैं गलत हूँ, हर मर्द ऐसा नहीं होता। प्लीज बट थैंक यू सो मच निखिल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि दुनिया का हर मर्द झूठा मकार और धोखेबाज ही है। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है निखिल। निखिल मेरे हमदम, मेरे दोस्त, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें और तुम यहाँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? महफिल तो नीचे बॉल रूम में जमी हुई है। Come on, let's go, let's go, let's go, let's rock and roll। अरे ये क्या? अरे दोस्त तुम मुंह लटकाओगे तो मैं तो लटक ही जाऊंगा, पार्टी अटक जाएगी। अरे वो मचलता फड़कता निखिल कहाँ है जो सारा की पार्टी में था? वो मर गया। अगर मुर्दे में जान डाल दूं तो? नहीं, इससे पहले मैं यही काम करता था, आबादी बढ़ जाने के डर से बंद कर दिया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं रहमान भाई। मैं भी नहीं और शायद वो भी नहीं। कौन? यहां नहीं, उसके लिए नीचे चलना पड़ेगा। पेशेंस माय फ्रेंड, हैव सम पेशेंस। हाँ वो सांग क्रूज से समुंदर कितना खूबसूरत लगता है ना। निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था पड़े रहे सारा दिन। तू लकी है यार, एक मैं हूँ जिसे तैरना ही नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता? हाँ मुझे तो शगुन ही लग रही है, तुझे क्या लगता है? लेकिन रहमान भाई ये यहाँ। दोस्त तुझे क्या लगा कि मैं बहुत मतलबी हूँ और तुझे अपने काम के लिए लाया हूँ? जा। अगर लकी ड्रॉ में मेरा नाम नहीं आता तो शायद मैं आती नहीं। गो, मना ले उसे। शगुन। ओ, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? शगुन मुझे तो पता भी नहीं था तुम यहाँ आने वाली हो। ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हें कभी भी कुछ भी पता नहीं होता। तुम्हें ना नेहा का पता था ना उस दूसरी लड़की का पता था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ निखिल, मुझे सब कुछ पता है। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो इस प्लेबॉय के साथ। मी प्लेबॉय? एंड यू, आपने मुझसे झूठ बोला, किसी लकी ड्रॉ में मेरा नाम नहीं आया, आप मुझे यहाँ धोखे से लाए। धोखा नहीं, मौका अपना शक दूर करने का। आप मुझे यहाँ इससे मिलवाने लाए थे? राइट, अभी बात करेंगे या सेलिब्रेशन के बाद में? मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त। आपको तैरना आता है? उड़ना आता है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, देर इज अ प्रॉब्लम, ये शिप पानी में है, डॉक करेगा तभी तो आप घर जा सकेंगी। ये शिप भी आपकी तरह अपनी मर्जी का मालिक है। मैं आपका खून पी जाएंगी? हैव दिस, ये ज्यादा टेस्टी है और उतना नशा भी नहीं है जितना इस प्लेबॉय के खून में है। प्लीज मेरी बात सुनो। शगुन 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 मेरी बात सुनो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। शगुन जस्ट लिसन टू मी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज योर होस्ट फॉर दिस इवनिंग, निखिल माथुर। लेट्स हियर इट फॉर निखिल माथुर। लेट द सेलिब्रेशन फॉर प्लैनेट एम बिगिन विद निखिल माथुर। शगुन तुम क्या
क्या समझ रही थी? कि तुम निखिल को मुझसे छीन लोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मुझे तुम्हारे निखिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम प्लीज उसे अपने पास रखो और मेरा पीछा छोड़ दो। ओह, ना कोर्टशिप ना फ्रेंडशिप, तो इस शिप पे क्या कर रही हो? रहमान भाई मुझे धोखे से लाए हैं। बेचारी कितनी भोली है, कोई भी आदमी किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। हाउ कन्वीनियंट। इसे कोई धोखा नहीं दे सकता, ये सारी दुनिया को धोखा दे रही है। इसकी प्लानिंग तो बड़ी कमाल की है। पहले प्यार के चक्कर में दिल को फंसाओ, फिर दूर चले जाओ। लड़कों को ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती है जो मुश्किल से हाथ आए। मैंने तुमसे पूछा? तुमसे कौन बात कर रहा था, मैं इससे कह रही थी। सोचा था पहले से देख लूं फिर तुम्हें। कौन सा गेम खेलने आई थी? हेल्प तो तुमने मेरी की है, लेकिन तुम्हें हेल्प कौन करेगा? तैरना जो नहीं आता, निखिल को मुझसे छीना चाहता है तू, और ये मान समझती अपने आप को? Welcome back. मुझे किसने बचाया? तुम्हें उसने बचाया जिसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ नहीं बचा है। निखिल? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो फिर नहाने के लिए समुद्र में क्यों कूदी? नहीं नहीं, दरअसल मुझे गिराया गया। नेहा और सारा कहाँ है वो दोनों? ऐसा नेक काम करने वाले कहाँ हो सकते हैं? वो ऊपर वाला सब देखता है। यानी वो दोनों डूब गई? अरे उन दोनों को तो पहले ही डूब मरना चाहिए था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि निखिल ने तुम तीनों में से सिर्फ तुम्हें क्यों बचाया? कहना क्या चाहते हैं आप? अरे यही तो, सारा और नेहा दोनों निखिल के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और उस बेवकूफ ने तुम्हें बचाया, तुम्हें जो उसे हेट करती है। मेरी तो समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि निखिल ने तुम तीनों में से सिर्फ तुम्हें क्यों बचाया? और मैं उसकी यादों के साथ वापस लौटा। आज शाम को मैच है और आज जीतना बहुत जरूरी है। हाँ।
थैंक्स अगेन। तुम यहाँ कैसे? स्विमिंग सीखने आए हो, इडियट। माँ ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। मेरी मॉम ने? नहीं, हमारी। मैंने सुना है कभी कभी आज 7 रेनबोज दिखाई देते हैं। एक तो मेरे सामने, बाकी 6 अब ये इसे बाहर निकलते दिखा दो। I love you, Nikhil. I love you. I love you. रहमान भाई, आपका प्लान वाकई हिट हुआ। अरे बाबा, जब बार बार आप दोनों ने शगुन को आप समझाने की कोशिश की कि निखिल को अपना लो और उसने आप दोनों से बात करने से भी इनकार कर दिया, तो इस आशिक आवारा को एक हिट आइडिया तो बनाना ही था। पर आप दोनों की कुर्बानी के सामने मेरा ये आइडिया कुछ नहीं। क्या कुर्बानी? मैं तो निखिल से प्यार करती हूँ। अगर मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती तो जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहती। God bless you. And I think he's worth it. मैंने तो सिर्फ उसका एहसान उतारने की कोशिश की है। जब मैंने उसे अपनी जिंदगी से जाने को कहा, उसने किया। अब मेरी बारी है। Yeah, he's a great guy. Yes, he's a great guy. और आप दोनों भी कुछ कम नहीं। Beautiful. यही वो जगह है शगुन, जहाँ on the perfect day 7 rainbows दिखाई देते हैं। Today is the perfect day, Nikhil. देखो। तो इस तरह शगुन, जिसने बिना किसी शर्त सिर्फ मुझसे प्यार किया, हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बन गई। ये थी मेरी कहानी। दिल ने मुझे समझाया, कुछ खोया कुछ पाया, अब ना कोई शिकवा गिला, मिलना था जो वो मिला। दिल के सफर में ऐसी उम्र में, ख्वाबों के घर में, मेरे जिगर में तुम्हें, तुमसे चांद तारे, तुमसे ये नजारे, तुमसे सीली रातें, तुमसे सादी यादें, शिकवाना तुमसे ना है शिकायत, हाँ हाँ ये सच है।